हे गाइस, दिस इज मी मिडिल क्लास मनिया सीधा आपके दिल से। तो आज मैं बताने वाली हूँ हाउ टू स्टाइल हावर क्लास बॉडी टाइप। तो उसके लिए हमें पहले क्या करना है, उसके लिए हमें पहले करना है इस चैनल को सब्सक्राइब एंड देन क्लिक द बेल आइकन, देन शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और फिर उसके बाद मुझे ढेर सारा प्यार देना है कमेंट में, और फिर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है। फिर मैं शुरू करूँ। तो शुरू के लिए पहले हमें पता होनी चाहिए हावर ग्लास बॉडी टाइप होती कैसे, राइट। तो जिनकी बस्ट और हिप का मेजरमेंट सेम है और वेस्ट वेल डिफाइंड है, उनको बोलते हैं हावर ग्लास बॉडी टाइप, जो कि हर लड़की चाहती है ना, तड़प ही ऐसी है ना। उनका रेशियो होता है 4:2:4। अभी तो समझ में आया ना हावर ग्लास बॉडी टाइप कैसी होती है। अगर आपको नहीं समझी है तो मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाई है हाउ टू फाइंड योर बॉडी टाइप, राइट। तो वो आप जाके देखिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो हम स्टार्ट करते हैं टॉप से, मीन्स अपर पार्ट से। तो अपर पार्ट में फर्स्ट लेती हूँ नेकलाइंस। नेकलाइंस में हमें अवॉइड करना है हाई नेकलाइंस, क्योंकि वो और फुलर बना देती है अपने अपर पार्ट को, क्योंकि अपनी बॉडी ऊपर से और नीचे से दोनों इक्वली है। अगर आप फुल पहनोगे तो वो और बड़ी दिखा देगी। तो इसीलिए हमें जाना है वाइडर नेकलाइंस के साथ। वाइडर नेकलाइंस कौन सी है? वाइडर नेकलाइंस है ऑफ शोल्डर, स्कूप नेकलाइंस, वी नेक, स्वीट हार्ट एंड स्क्वेयर। तो ये सारी नेकलाइंस के साथ हमें जाना है, राइट। तो ये सारी नेकलाइंस के साथ क्यों जाना है? तो अपने को हाई नेकलाइंस के साथ नहीं जाना है, पर वाइडर नेकलाइंस के साथ क्यों जाना है? क्योंकि अपर पार्ट को वो थोड़ा फ्लैटर लुक देता है और फेमिनिन लुक देता है, इसीलिए हमें ये वाली नेकलाइंस चूज़ करनी है। तो नेकलाइंस के बाद क्या आता है? नेकलाइंस के बाद आते हैं स्लीव्स। तो स्लीव्स में हमें नहीं लेना है, मतलब अवॉइड करना है बॉक्सी स्लीव्स। तो हमें जाना किसके साथ है? तो हमें जाना है स्लीवलेस सेट इन 3/4 फिटेड बिशॉप, ये वाली स्लीव्स के साथ हमें जाना है, क्योंकि ये वाली स्लीव्स हमें फेमिनिन लुक देगी और हमारे कर्व्स को एनहांस करेगी, ना कि छुपा देगी। तो इसीलिए ये स्लीव्स चूज़ करनी है। तो अभी स्लीव्स हो गए, तो स्लीव्स के बाद आता है टॉप्स की, मीन्स मेन पार्ट। अभी टॉप्स में हमें क्या अवॉइड करना है? हमें अवॉइड करना है बॉक्सी एंड एम्पायर लाइन वाली टॉप्स, क्योंकि वो हमारे कर्व्स को वेल डिफाइन नहीं करती हैं और हमें और लुक ही नहीं आता है, क्योंकि हमारे नेचुरल कर्व्स है तो वो तो शो होने चाहिए ना। इसीलिए हमें बॉक्सी एम्पायर लाइन, जो भी हेवियर टॉप्स है और जो कि हमें बल्की बना देते हैं, वो वाले टॉप्स को हमें अवॉइड करना है। तो हमें लेना क्या है? तो टॉप्स में हमें लेना है फिटेड टी शर्ट, फिटेड शर्ट, फ्रैप टॉप, बेल्ट, पेपलम टॉप, ये सारे टॉप्स हमें लेने हैं। तो आप बोलोगे ये सारे टॉप्स हमें क्यों लेने? हमें इसलिए लेने हैं कि हमारी वेस्ट और वेल डिफाइन हो और हम फेमिनिन लगे। तो इसमें हमारे कर्व्स भी दिखेंगे, हमारी नैरो वेस्ट भी दिखेगी, तो और हम फेमिनिन और स्टाइलिश लगने लगेंगे। इसलिए हमें ये वाले टॉप्स लेने हैं। और अवॉइड तो मैंने बता दिया, अवॉइड करने हैं एम्पायर लाइन और बॉक्सी टॉप, जो कि हमें और बल्की बना देते हैं। ओके, तो टॉप्स के बाद आती है बारी ड्रेसेस की। तो ड्रेसेस में हमें अवॉइड करना है, अभी आपको तो पता चल गया है हमें अवॉइड क्या करना है, राइट। कि हमें अवॉइड करने हैं जो भी हमें बल्की बना देता है। हमें अवॉइड करना है एम्पायर लाइन वाली ड्रेसेस,
और बॉक्सी जो कि स्क्वेयरिश ड्रेसेस होती है वो, तो हमें लेनी कौन सी ड्रेसेस है, तो हमें लेनी है रैप, शीट, पैनल्ट, बायल्स, पेपलम, ये सारी ड्रेसेस हमें लेनी है। तो ये वाली ड्रेसेस हमें क्यों लेनी, ये वाली ड्रेसेस हमारे कर्व्स को एनहांस करेगी और आपको फेमिनिन लुक देगी, क्योंकि आपकी बॉडी टाइप पहले ही फेमिनिन लुक वाली है। हवर ग्लास इज बेस्ट बॉडी टाइप, है ना, क्योंकि हर लड़की का वही ख्वाब है, जिम जाती है, मुझे ऐसी बॉडी टाइप चाहिए, वेस्ट नैरो चाहिए, है ना। तो इसीलिए हमको उन कर्व्स को एनहांस करना है, ना कि छुपाना है। मीन्स छुपाना इन द सेंस कि हमें इतना भी नहीं दिखाना है कि वो वल्गर लगे, तो हमें दिखाने के साथ स्टाइलिश लगना है, राइट। तो इसीलिए हमें ये ड्रेसेस चूज़ करनी है। तो ड्रेसेस हो गई, तो ड्रेसेस के बाद बारी आती है बॉटम्स में, हमें फर्स्ट जीन्स लेनी है। तो जीन्स हमें अवॉइड करना है लो राइज, तो हमको जाना किसके साथ है, तो हमें जाना है स्लिम फिटेड जीन्स के साथ, स्ट्रेट पैंट के साथ, बूटकट के साथ, वाइट जीन्स के साथ, और जो टॉप एंट्री पॉकेट्स है वो वाली जीन्स के साथ। तो जीन्स हो गई। तो जीन्स के बाद आती है बारी शॉर्ट्स की। शॉर्ट्स में हमें अवॉइड करना है टाइट फिटेड। तो टाइट फिटेड क्यों अवॉइड करना है, क्योंकि हमारे कर्व्स एनहांस नहीं होंगे। तो हमें जाना किसके साथ है, तो हमें जाना है लूज फिटेड शॉर्ट्स के साथ। तो लूज फिटेड शॉर्ट्स कौन सी है, तो लूज फिटेड शॉर्ट्स है ये लूज फ्लेयर टैपर्ड स्ट्रक्चर्ड वेस्ट बैंड। तो ये वाली सारी शॉर्ट्स के साथ हमें जाना है, क्योंकि अगर ये ऊपर से थोड़ी टाइट होगी और नीचे से थोड़ी फ्लेयर होगी तो हमारे कर्व्स मींस नैरो वेस्ट हाईलाइट होगी, राइट। अगर ऊपर से लेके नीचे तक हमारी शॉर्ट टाइट होगी तो हमारे कर्व्स एनहांस नहीं होंगे। तो इसीलिए हमें ये वाली शॉर्ट्स के साथ जाना है। तो शॉर्ट्स के बाद आती है बारी स्कर्ट्स की। तो स्कर्ट्स में हमें अवॉइड करना है जो कि स्क्वेयरिश स्कर्ट होती है, मींस बॉक्सी टाइप वाली स्कर्ट्स को हमें अवॉइड करना है, ओके। तो हमें जाना किसके साथ है, तो हमें जाना है इनके साथ, ट्यूलिप, पेंसिल स्कर्ट, ए लाइन, गॉर्ज, इन सब के साथ जाना है। तो हमको अवॉइड करने हैं बॉक्सी स्कर्ट, राइट। तो अगर आप ये सारी स्कर्ट्स पहनोगे तो आपके कर्व्स एनहांस होंगे और आप मोर स्टाइलिश लगने लगोगे और फेमिनिन लगने लगोगे। स्कर्ट्स हो गए, ये सारी स्कर्ट्स है हवर ग्लास के लिए। तो स्कर्ट्स के बाद आती है लास्ट है जैकेट्स। तो जैकेट्स में हमें अवॉइड करना है स्ट्रेट जैकेट, जो कि शोल्डर डिटेलिंग जैकेट्स होते हैं वो वाले अवॉइड करने हैं। तो हमें जाना किसके साथ है, हमें जाना है इन सारे जैकेट्स के साथ, फिटेड स्टाइल बैलेंस्ड ब्लेजर्स के साथ, मींस फिटेड जैकेट्स के साथ, शॉर्ट जैकेट्स के साथ, फिटेड लेदर जैकेट्स के साथ, बेल्टेड कार्डिगन्स के साथ। क्योंकि अगर आप बेल्ट वाले यूज़ करोगे तो आपकी नैरो वेस्ट हाईलाइट होगी और आप बहुत स्टाइलिश लगने लगोगे। अगर आपको मिडिल क्लास मनिया की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, क्योंकि उनको भी तो स्टाइल एंड टिप्स की ज़रूरत है ना। और फिर कमेंट्स में मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए और लाइक करना मत भूलना, ओके। तो नमस्ते।